من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن للجسد مزغة فإن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم بزرگان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے कायनात में जितनी नियामतें हम और आप के लिए पैदा की हैं उन तमाम नियामतों को हम गिन नहीं सकते। ये अल्लाह का कुरान में चैलेंज है और अल्लाह के चैलेंज को कोई तोड़ नहीं सकता। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تم نہیں گن سکتے۔ اب یہ اللہ کا چیلنج اللہ کا ہو یا چیلنج رسول اللہ کا ہو، کائنات کی کوئی طاقت اللہ اس کے رسول کے چیلنج کو توڑ نہیں سکتی۔ हम और आप चाहे जितने ही रशीद व समझदार हो जाएं, हम और आप चाहे जितनी ही कायनात के सैर व तफरी करके हम मालूमात हासिल कर लें, मगर अल्लाह तबारक व तआला का चैलेंज हर मखलूक के सामने है और ख़ास तौर पर हजरत इंसान के सामने है कि वह नियामतों को गिन नहीं सकता। अब इससे अंदाज़ा होता है कि रब्बे परवरदिगार ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। रब्बे परवरदिगार ने हम और आपके लिए क्या क्या चीज़ें नहीं पैदा की है, हमारी किन किन ज़रूरियात का ख्याल नहीं किया है। हम और आपको सही ज़िंदगी गुजारने के लिए परवरदिगार ने क्या क्या इंतज़ाम किया है। हम राहत से रहें, हम सुकून से रहें, हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हमें कोई तकलीफ़ ना हो, हमें कोई परेशानी ना हो, अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम हयात की सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया है, सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया। अब एक सवाल पैदा होता है कि जब रब्बे परवरदिगार ने हम और आप के लिए सारी ज़रूरियात का इंतज़ाम कर दिया है, वो अलग बात है कि हम निज़ाम खुदावंदी का इस्तेमाल कैसा कर रहे हैं। कोई सही कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, कोई इताअत व फरमाबरदारी के साथ इस्तेमाल कर रहा है और कोई नाफरमानी के साथ इस्तेमाल कर रहा है, कोई ईमान के साथ और इस्लाम के साथ इस्तेमाल कर रहा है और कोई कुफ्र और शिर्क के साथ इस्तेमाल कर रहा है, पर है वो अल्लाह की नेमत। एक सवाल पैदा होता है गैबी तौर पर कि रब्बे परवरदिगार ने जब हम और आप के लिए इतनी सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया, बल्कि सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया निज़ाम हयात के लिए, तो हम और आप ने रब्बे परवरदिगार के लिए क्या किया है। परवरदिगार अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू हम और आप से एक ही चीज़ का मुतालबा किया है, एक ही चीज़ का। साफ साफ कुरान में साफ साफ ऐ हजरत इंसान गौर से सुनो, मैंने तुम्हें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। ये कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया
सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। मुफस्सिरीन ने इबादत का तर्जुमा लिखा है आगे, हमने तुम सबको इताअत के लिए पैदा किया है। उर्दू तर्जुमे वाले ने इसका तर्जुमा किया, हमने तुम सबको फरमा बरदारी के लिए पैदा किया है। तो रब्बे परवरदिगार हमें दुनिया में भेजा है अपनी मान कर चलने के लिए, और उसी मान कर चलने का नाम इबादत है। हम और आप को अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत का एक निज़ाम दिया, नमाज। एक आदमी नमाज के टाइम पे आता है और अल्लाहु अकबर कहकर नमाज में खड़ा हो जाता है, वो खुद भी समझ रहा है कि मैं इबादत में हूँ और देखने वाले भी समझ रहे हैं कि ये इबादत में खड़ा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम और आपके ज़हन और दिमाग में इबादत की शक्ल नहीं रहती है, लेकिन है वो इबादत। तो इसलिए इबादत का तर्जुमा फरमा बरदारी के साथ किया गया, हमने तुम सबको पैदा किया है इबादत के लिए, यानी इताअत के लिए, यानी फरमा बरदारी के लिए, यानी मेरी मानकर चलने के लिए मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है। तुम रब चाही जिंदगी गुजारोगे, मन चाही जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें नहीं भेजा गया। एक आदमी सुबह सवेरे बेदार होता है और उसका इरादा है मैं फजर की नमाज पढ़ूंगा। फजर की नमाज पढ़ने से पहले उसका इस्लाम क्या है? फजर की नमाज से पहले जब वो जाग जाता है तो उसका इस्लाम कहाँ से शुरू होता है? क्योंकि अभी वो मरने के बाद जिंदा हुआ है। सोने की दुआ याद है उम्र आपको, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतू, ये मौत से है, वो अहया। आदमी दुआ करके सोता है, ए अल्लाह तेरे नाम से मरने जा रहा हूँ और तेरे ही कर्म से मैं सुबह को बेदार होगा, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतू। तो हम आप रात को सोते टाइम मर जाते हैं, ये अरबी का लफ्ज़ बता रहा है। इसलिए नींद को मौत की बहन कहा गया है हदीस में, नींद मौत की बहन है। और हम दुआ में इकरार करके सोते हैं, ए अल्लाह तेरे नाम से मैं मरने जा रहा हूँ। सुबह को अगर हम बेदार हो गए हैं तो उस परवरदिगार का एहसान है। इसलिए मैंने कहा कि मरने के बाद हम दोबारा भी जिंदा हुए हैं तो उस वक्त का हमारा इस्लाम ये है कि हम सबसे पहले दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना। अहया का माना जिंदा, बेदार नहीं है, ये अरबी के कुछ अल्फाज हैं। अहया का माना बेदार होना नहीं, अहया का माना जिंदा होना। मौत का माना सोना नहीं, मौत का माना मर जाना। क्या दुआ है, आदमी इस दुआ पर गौर करे ना, जिंदगी भर वो इस्लाम पे आ जाएगा, पूरी जिंदगी इस्लाम पे आ जाएगा। ए मेरे अल्लाह तेरे नाम से मैं मरने जा रहा हूँ। सुबह अगर बेदार हो गए तो उसी परवरदिगार का करम कि हम बेदार नहीं हुए बल्कि जिंदा किया। इसलिए फरमाया कि दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें जिंदा किया, बादमा अमातना मर जाने के बाद, व इलैहिन नुशूर, और फिर एक दिन हम सबको उसी की अदालत में जमा होना है मरने के बाद। तो बेदार होते ही फौरन हमारा इस्लाम ये है कि हम जागने की दुआ पढ़ें, यह हमारा इस्लाम वहाँ से शुरू होता है। कल की दिन, कल का जो हमारा दिन गुजरा है वो बादाम का फाइल में पैक हो गया है। कल हमने क्या किया था उसका टोटल मार दिया गया नीचे, फरिश्ते टोटल मार कर उसको महफूज कर दिया, अब उसको पलट कर देखा नहीं जाएगा। अब आज का इस्लाम आज से शुरू हो रहा है। जब दुआ पढ़ लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मैं बारीक बात बताता हूँ, मुमकिन है बहुत सारे हजरात को मालूम हो, कुछ ऐसी बातें करें मुजाकरे के अंदाज में जो फौरन हमारे अमल में आ जाए। बुजुर्ग जुमा का बयान ये कोई आम रस्मी बयान नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, ना मेरे लिए ना और किसी के, किसी भी मौलवी साहब के लिए।
कुछ ऐसी मोटी मोटी बात करें जो गांव के सारे लोग उस वक्त मौजूद होते हैं, जो फौरन अमल पे आ जाए। बेदार होते ही दुआ पढ़ना, उसके बाद क्या करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी भी चीज़ में हाथ डालने से पहले अपने दोनों हाथ को धो लिया करो। ये इस्लाम है, आज के दिन का इस्लाम है ये। दुआ पढ़ने के बाद दोनों हाथ हमको धो लेना है। फला यग्मिसन न यदहू, जरूर किसी भी हाल में तुमको बर्तन में हाथ या किसी भी चीज़ में हाथ नहीं डालना जब तक कि तुम दोनों हाथ ना धो लो। फिर दोनों हाथ धोने के बाद फिर हमको वजू करना है। वजू से पहले आदमी का एक अमल और है, आदमी वॉशरूम जाता है, चाहे पेशाब करे या टॉयलेट में, चाहे छोटा इस्तिंजा हो या बड़ा हो, तो उस वक़्त का इस्लाम ये है कि दाखिल होने से पहले दुआ पढ़े और जब बाहर निकल जाए तो दुआ पढ़े। दाखिल हो तो बायां पाँव अंदर रखे और जब बाहर हो तो दाहिना पाँव बाहर आए। ये इस्लाम है जो उस वक्त से शुरू हो रहा है, ये हमारे आज के दिन का इस्लाम है। इसी को किताबों में मुहद्दिसी ने लिखा है, हर मुसलमान पर इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज है जितना रोज़मर्रा उसको ज़रूरत है, उतना फ़र्ज है। मौलवी साहब बनना फ़र्ज नहीं है हर एक पर, लेकिन इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज है जितना उसको सुबह से शाम तक ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर का मतलब सही होनी चाहिए। अगर हम जागने की दुआ पढ़ रहे हैं तो दुआ के अल्फाज सही होने चाहिए, उसका आला दर्जा यह है कि उसका तर्जुमा भी मालूम होना चाहिए। हम में से यहाँ जितने बैठे हैं कितने लोगों को उस दुआ का तर्जुमा पहले से याद है, नहीं है तो उसका याद होना फ़र्ज है क्योंकि हमारी ज़रूरत है वो आज के दिन। तीन मरतबा हाथ धोना, बैतुल खुला में दाखिल होने की दुआ सही याद होना, बाहर निकलने की दुआ सही याद होना, जो भी सुबह से शाम तक हमारी ज़रूरत है, हमारा इस्लाम है वो इस्लाम सही हो, वो इस्लाम सही हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम्हारा इस्लाम तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए। तुम दाखिल हो जाओ इस्लाम में कामिलो मुकम्मल तौर पर। अगर मैंने कलिमा पढ़ लिया, अगर हमने इस्लाम कबूल कर लिया और हम इस्लाम में दाखिल हुए हैं या पहले से हम मोमिन हैं, तो हमारा ईमान और हमारा इस्लाम क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अजी हम लोग तो पुराने ज़माने में पढ़े हैं, अभी बेटे जाल और जीम में और जे में और जो में कोई फ़र्क नहीं कर पाते, पुराने ज़माने में पढ़े हैं बस वही चल रहा है। एक सवाल पैदा होता है, अगर आज हमारा दिमाग सही है, अगर ज़बान ठीक है, नज़र से हम देख रहे हैं, घुटनों में ताकत है, किसी की बात समझ पा रहे हैं या किसी को मैं अपनी कमी बता सकता हूँ, तो उस आदमी को अपनी कमी का दूर करना फ़र्ज है। जो मैंने बहुत बड़ी बात कही है, उस शख्स को उस कमी का दूर करना फ़र्ज है। खाना खाने बैठे नमक ज़्यादा हो जाए तो पसंद नहीं करते, दुआ पढ़ने बैठे और अल्फाज गलत हो जाए तो इस्लाम पसंद कर लेगा। गोश्त खरीद करके लाए, गोश्त का मज़ा बदला हुआ कि ये बासी गोश्त दे दिया कसाई ने, फौरन उसी वक्त या तो फ़ोन करते हैं या फिर आइंदा टाइम पे मुलाकात करते हैं, फौरन तुमने गोश्त ख़राब दिया। गोश्त ख़राब नहीं चलता है लुकमे में, तो हमारा ख़राब ईमान या हमारी दुआ के गलत अल्फाज या हमारे अल्फाज क़िरत के गलत अल्फाज जो सही नहीं होते हैं, वो इस्लाम कैसे कबूल कर लेगा। प्रैक्टिकली बात है, एक आदमी कुर्ता सी रहा है, टेलर ने थोड़ा ख़राब कर दिया, मालिक बोलता है सिलाई को खोलो इसको फिर से सियो। कुर्ता थोड़ा ख़राब हो जाए तो नहीं चलता है, नमाज हमारी सही ना हो तो वो चल जाएगा आखिरत में। बुजुर्गों ये अमली बातें हैं,
जो हम और आप इन चीज़ों को पसे पर्दा डाल के रखे हैं। और एक बहुत बड़ी भूल है हम मुसलमानों की है कि मुसलमान ये जुमला अपनी ज़बान से कहता है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम है। ये टूटी फूटी नमाज़ें, टूटी फूटी इबादत अल्लाह इंशाअल्लाह कबूल कर लेगा, 101 टक्का अल्लाह गफूर रहीम है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब्बार और कहार भी है। अल्लाह तबारक व तआला अगर इंसाफ करने पर आ जाए तो ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेगा। अल्लाह माफ़ कर दे तो शिर्क के अलावा बड़े बड़े बदमाशों को माफ़ कर देगा। शिर्क के अलावा, शिर्क की माफ़ी नहीं, अल्लाह चाहेगा तो शिर्क के अलावा बड़े बड़े बदमाशों को माफ़ कर देगा। और अगर अल्लाह चाहेगा तो एक एक इंसान के ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। हम अगर रब्बे खुदावंदी की अदालत में पहुँच गए और रब्बे परवरदिगार हम और आपसे यूँ कह दिया कि तुम्हारा हिसाब मुकम्मल होगा, बताएं कोई चैलेंज करने वाला है उस अदालत को? कोई वकील है जो चैलेंज करे? हशर के मैदान के बड़े बड़े वकला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 124,000 वकील हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं ये लोग, जो रब्बे परवरदिगार से दुनिया में बात करते थे वही के जरिए। लेकिन हशर के मैदान में वकालत ख़त्म हो जाएगी, लोग सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे, ऐ कायनात के सबसे पहले पैगंबर हमारे हाल पर रहम फरमा कर रब्बे परवरदिगार की अदालत में हमारी सिफारिश कर दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम माजरत कर देंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने जलीलुल कदर सहाबी, जलीलुल कदर पैगंबर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम इतने जलीलुल कदर पैगंबर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम घुटनों के बल गिर के रहेंगे। सब कोई कहेंगे या रब्बी नफसी नफूसी, ऐ परवरदिगार आज मैं किसी का सवाल नहीं करता। आदम अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे मैं किसी का सवाल नहीं करता, नूह अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे मैं किसी का सवाल नहीं करता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे मैं किसी का सवाल नहीं करता, मूसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे मैं किसी का सवाल नहीं करता, ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम यही कहेंगे हम किसी की वकालत नहीं कर सकते। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इतने जलील कदर अल्लाह के पैगंबर नबी भी हैं, रसूल भी है, अल्लाह की तरफ से आसमानी किताब इंजील भी है, अल्लाह तबारक व तआला मैदान हशर में अपनी अदालत में ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे, या ईसा इब्न मरियम, ऐ मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम इधर आ जाओ, या ईसा इब्न मरियम अअंत लिन्नास इत्तखिदूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, ऐ मरियम के बेटे ईसा आ जाओ मेरी अदालत में, क्या रुए जमीन में तुमने ये पैगाम दिया था इंसानों को कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो? ईसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम पैगंबर अदालत में बुलाएंगे, बुलाए जाएंगे, और हम आप क्या कहते हैं? अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं انا اول من ينشق عنه القبر, जब इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से सूर फूकी जाएगी और जब कायनात के सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर इंसान तक जितने रुए ज़मीन में मदफून है तमाम के तमाम निकल कर खड़े हो जाएंगे, मुर्दे भी सब निकल कर हशर में जमा हो जाएंगे, जब तमाम आलम के सारे इंसान अव्वलीन और आखिरीन के सब जमा हो जाएंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान मुबारक से यूँ फरमाते हैं, उस ऐलान पर सब सबसे पहले अपनी कब्र से मैं उठूंगा, फिर मैं देखता हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही अल्लाह के अर्श को पाए को पकड़ के रो रहे हैं।
सबसे पहले तो कब्र से मैं उठूंगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हुई थी या नहीं हुई थी। मैं यूं देख रहा हूं उठकर कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़ के रो रहे हैं। मुस्लिम शरीफ में मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे और सजदे में गिरकर आप बार बार यही जुमला कहेंगे, या रब्बी उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत का आज क्या हाल होगा। पैगंबरों का ये हाल है, पैगंबरों का। और हम और आप क्या कहते हैं, अल्लाह गफूर रहीम। قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آہ حضرت انسان، زمین میں غفلت کی زندگی نہ گزارو، جب تم میری عدالت میں آؤ گے تو ذرہ برابر خیر ہوگا تو اس کا بھی حساب ہوگا اور ذرہ برابر شر ہوگا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ قرآن تو یہ چیلنج کر رہا ہے اور ہم اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے ذرہ خیر اور ذرہ شر۔ اور اگر یہاں پر میں ایک اور ایک نئی بات بتا دوں آپ حضرات کو، عربی کے گرامر کے حساب سے قرآن کا لفظ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ الگ الگ پڑھیں گے تو وہ تشدید ہے تو ملا کر پڑھتے ہیں وہاں پر خَيْرًا يَرَهُ، واصل میں خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ عربی کا لفظ ہے، عربی کا معنی ہے یراہو کا معنی دیکھنا، یرا کا معنی دیکھنا، اور آدمی دیکھے گا ان کن چیزوں کو جو سامنے موجود ہو، سامنے موجود ہو۔ اس پر جدید مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ذرہ برابر خیر کرے گا تو حشر میں اس کو دیکھے گا اور ذرہ برابر شر کرے گا تو حشر میں اس کو دیکھے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر کرے گا اس کو دیکھے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر شر کرے گا اسے دیکھے گا۔ ہر انسان کے اوپر کیمرہ فٹ ہے، کیمرہ، اور ہر انسان کی زندگی پہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ پہلے سمجھنا مشکل تھا، آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں اسلام کا سمجھنا خوب آسان ہو گیا بزرگوں۔ اگر میں یہاں تقریر کر رہا ہوں آپ حضرات بیٹھے ہیں، پیچھے سے کوئی موبائل سے ویڈیو ریکارڈنگ کرے تو آج کے بعد سب کوئی اس بیان کو سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جی فلاں مولوی صاحب کرسی پہ بیٹھ کر ممبر کے پاس بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوا ہے، ہماری زندگی کا ویڈیو ریکارڈنگ تیار ہو رہی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ویڈیو چلا دے گا۔ قرآن کا لفظ ہے یہ، دیکھے گا، دیکھے گا اسی کو جو ویڈیو ریکارڈنگ ہو، ورنہ سنا تو وہ جاتا ہے جو آڈیو ہو، آڈیو ریکارڈنگ سنا جاتا ہے اور ویڈیو ریکارڈنگ دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اما پارہ میں اللہ جل جلالہ و من والہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اے حضرت انسان بالکل غفلت کی زندگی نہ گزارو، تمہارے اوپر میرا محافظ مقرر ہے جن کے نام ہے کرامن کاتبین۔ ہماری رپورٹ روز کی تیار ہو رہی ہے، کسی سرکاری آفس میں جائیں گے تو شام کو مینیجر کہتا ہے رپورٹ بنا کے دکھا کتنا کام ہوا، رپورٹ بنا کے دکھا کتنا کام ہوا۔ آج ہی ایک ممبر صاحب کہہ رہے تھے، ایک مولوی صاحب کو آواز دے کے کہ آج ویکسین لگیں گی، 400 ویکسین لگانی ہے اس ایریا میں۔ بولے شرمے لگا لگا بھائی، وہ تو کہنے لگا نہیں ہم ویکسین نہیں لگاتے، ہم یوں ہی بنا لیں گے کچھ سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ تو ممبر صاحب کہنے لگے جناب یہ 400 کا حساب دینا پڑے گا جب شام کو ہم کو رپورٹ پیش کرنی پڑے گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہماری آفس میں ریکارڈ بنتی ہے،
हमारी इतनी शानदार और इतनी जानदार और इतनी दमदार और इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम अहमियत वाली ज़िंदगी दी और इसकी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं हो रही। अल्लाह कुरान में ख़ुद फरमाता है तुम्हारी रिपोर्ट तैयार हो रही है। किरामन कातिबीन, कातिब का माना लिखना मालूम है, किताबत। मालूम हुआ कि हमारी रिकॉर्ड तैयार है, तैयार हो रही है, हमारा रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़यामत के दिन यल्काहु मंशूरा, हम तुम्हारे नाम आमाल को तुम्हारे सामने डाल देंगे। अल्लाह जल्ला जलालुहु व मनवाल फरमाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, किताब तुम्हारे सामने खुली पड़ी, पढ़ लो अपनी किताब और अपनी ज़िंदगी का खुद हिसाब कर लो कि तू जन्नत में जाने के लायक है या जहन्नम में जाने के लायक है, खुद हिसाब कर लो। ये कुरान में जब वो बंदा उस नामे आमाल को देखेगा और देखकर यूँ कहेगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड इस रजिस्टर के अंदर मौजूद है। कुराने करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक़्त के मंजर को बयान किया माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ऐ परवरदिगार कैसा रिकॉर्ड है, कैसी किताब है, कैसा नामे आमाल है कि हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़ इसके अंदर मौजूद है। माली हाजल किताब कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, कोई छोटी चीज़ ना छोड़ी गई, कोई बड़ी चीज़ भी ना छोड़ी गई, इल्ला अहसाहा, इस किताब के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इंसान की पूरी ज़िंदगी का मकसद बयान कर दिया है कि तुम जो दुनिया में आए हो यूं ही आज़ाद छोड़ नहीं दिए गए हो, तुम्हारे पीछे अल्लाह का एक अजीम मकसद है। और हम और आपकी ज़बान पर एक ही जुमला है अल्लाह गफूर रहीम है। मैं मुनासबत से अगर अर्ज़ करूँ कि बहुत सारे लोग नमाज़ नहीं पढ़ते बहुत सारे लोग, मुझसे एक सवाल यह है कि जी आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते हैं? बुज़ुर्ग हज़रात तो पढ़ लेते हैं चूँकि अभी वो मस्जिद के ही लायक रह गए, नौजवान नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनसे सवाल ये है आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते? या बिजनेसमैन या किसी भी चीज़ में मसरूफ़ अगर हैं, ज़िंदगी अगर मसरूफ़ है कारोबार तिजारत वगैरह में खेती में, उनसे सवाल होता है आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते? आम तौर पर सादा सा जवाब ये देते हैं टाइम नहीं मिलता है। कमाल है, 24 घंटे का टाइम अल्लाह ने दिया और हम कहते नहीं है, अल्लाह ने दिया और हम कहते हैं टाइम ही नहीं है। अल्लाह अगर क़यामत में सवाल कर ले कि मैंने वो 24 घंटे तुमको दिए थे तुमने पढ़ी क्यों नहीं नमाज, इसका क्या जवाब है? इसका क्या जवाब है? कोई जवाब है किसी के पास? इसलिए बुजुर्गों गफलत की ज़िंदगी तो हमारे लिए हलाकत का ज़रिया है। जितनी हम गफलत करेंगे उतना आखिरत में नुकसान है। सारे काम सुबह से शाम तक होते हैं सिर्फ नमाज नहीं हो पाती। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, इसका सवाल करेगा क़यामत के दिन, मैंने तुमको दुनिया के अंदर भेजा था तुम्हारी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने के लिए, नहीं मेरी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने, आ जाओ ज़िंदगी में एक नमाज तुम्हारी अच्छी क्लियर दिखा दो मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। हम और आपके पास है तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक, अगर अल्लाह फरमा दे कि एक भी ऐसी नमाज दिखा दे जिसमें तू नमाज से बाहर नहीं गया था, एक क्लियर नमाज दिखा दे जिसमें सिर्फ मन की मैं ध्यान में था, ऐसी एक नमाज दिखा दे मैं तुझे माफ़ करूँ। अल्लाह के पास माफ़ी के बहाने बहुत हैं लेकिन बंदे के पास उसका माकूल जवाब होना चाहिए। अगर जवाब नहीं है बंदे के पास तो बंदा बच जाएगा। श्री नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी इस्तेआत अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी कुदरत के हिसाब अपनी ताकत के हिसाब से आमाल करते रहो और दुआ यूं मांगते रहो अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह मेरा हिसाब आसान लेना। और ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मांगी है, अल्लाहुम्मा हासिबना
हिसाबन यसीरा। पैगंबर दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह हमारा हिसाब आसान ले। पैगंबर का कौन सा हिसाब होने वाला है? आप तो माफ किए हुए हैं, मक़फ़ू हैं, आपके आगे पीछे कोई गुनाह नहीं है, फिर भी परवरदिगार अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ए अल्लाह आसान हिसाब ले। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान हिसाब किसे कहते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिटेल में समझाया और यूँ फरमाया कि या हुमैरा मन नुटिशा उज़्ज़िबा, अगर अल्लाह पाक ने पूछना शुरू कर दिया तो उसका अजाब फाइनल है। अगर अल्लाह ने नुटिशा मुनाकशा करना शुरू कर दिया तो अजाब उसका फाइनल है। मुनाकशा का मतलब क्या है? ये काम तुमने किया, क्यों किया इसका जवाब दे। तुमने ये किया, क्यों किया इसका जवाब दे। तुमने नमाज छोड़ दी, क्यों छोड़ी इसका जवाब दे। हम में से बहुत सारे लोगों के पास कोई माकूल उज्र नहीं है। माकूल उज्र में तो अल्लाह पाक भी छुट्टी देता है। आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता है तो माफ है, बैठ कर पढ़ सकता है तो पढ़े, खड़े होना खड़े होने को अल्लाह ने माफ कर दिया, खड़े होने को अल्लाह ने माफ कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें उज़्र और मजबूरी में अल्लाह भी माफ़ कर देता है, लेकिन अगर ठीक ठाक होने के बावजूद अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी तो क़यामत के दिन सवाल होगा क्यों। इसको कहते हैं मुनाकशा, मन नुनिशा उज़्ज़िबा, जो मुनाकशा किया गया, दारोगीर की गई, पकड़ धकड़ किया गया तो उसका अजाब फाइनल है, उसका अजाब फाइनल है। आसान हिसाब किसको कहते हैं? अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह हमारा हिसाब ले, मगर आसान हिसाब ले। आसान हिसाब का मतलब यह है अपनी ताकत के हिसाब से हम जितना अमल कर सकते हैं करते रहें, नमाज वक्त पर पढ़ते रहें। अगर वक्त पर नमाज नहीं हो पा रही, मिसाल के तौर पर कुछ लोग खेत में हैं, अब जोहर में वो नहीं आ सकते टाइम पे, जमात में शरीक नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, आने के बाद नहाने धोने के बाद वो फौरन नमाज अदा कर लें, या खाना खाने के बाद असर से पहले पहले नमाज अदा कर लें। किसी भी वक्त में कैसा भी वो मसरूफ हो, बिजी हो, वो अपना फ़र्ज अदा करता रहे और इस तरह अपनी ज़िंदगी क्लियर गुजारने की कोशिश करें, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को बुलाएगा तो उसके नामे आमाल में भी बहुत सारी कमी पेशियाँ होंगी, लेकिन दुनिया में ये क्लियर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा था लेकिन कमी पेशियाँ हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके फाइल को यूँ पलटेगा। फाइल को पलटाने के बाद अल्लाह फरमाएगा, अच्छा ये भी गलती हुई है, अच्छा ये टाइम की नमाज आपने दाखिल कर दी थी, अच्छा ये टाइम की नमाज भी आपने कज़ा पढ़ी है, अच्छा अच्छा यहाँ भी आपने वो फुला के साथ ऐसा मामला हुआ था, गड़बड़ हुआ, बाद में आपने तौबा कर ली थी, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। गलतियाँ अल्लाह पाक गिनवाएगा, लेकिन गिनवाने के बाद अल्लाह पाक यूँ फाइल को बंद करेगा और यूँ फरमाएगा, जा मैंने अपने फजल से माफ़ कर दिया। इसको कहते हैं आसान हिसाब। पेशी सबकी होगी। बहुत सारी हदीसों में ये भी है कि 70,000 लोग बिना हिसाब किताब चले जाएंगे, 70,000 ही जाएंगे ना, पता नहीं उसमें हमारा नाम है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो हिसाब तो देना पड़ेगा, अगर रहा नाम तो उसका कर्म है, अगर नहीं रहा तो हिसाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। इसलिए बुजुर्गों अपनी ज़िंदगी के रुख को आज से ही हम सीधा कर लें, आज से ही ठीक कर लें। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं, गरचे मुश्किल काम है लेकिन बहुत आसान है, सोचेंगे तो मुश्किल है, करने जाएंगे तो बड़ा आसान है। एक छोटा सा चुटकुला बता दो, टाइम हो रहा है, 2 ही मिनट टाइम है हमारे पास। एक छोटा सा चुटकुला नहीं है, वो एक सच्ची कहानी है। देखिए दीनदार भी मुआशरे में बड़े मौजूद हैं लेकिन बेदीनी भी बहुत है। अगर 25% अगर दीनदारी है तो 75% बेदीनी है, ये देखा गया है बादशाह साहब, बेदीनी है। एक जगह एक रिश्ता आया, एक लड़की देखने गए, वो लड़का भी आया था, उमूमन लड़का पहले देखने जाता है, लड़की को देखने जाता है। तो लड़का पढ़ा लिखा था और लड़की हमारे ही माहौल में 10वीं पढ़ी लिखी, तो कितना ज़्यादा सलाहियत उनको, 10वीं पढ़ी लिखी लड़कियों की कोई ज़्यादा सलाहियत नहीं होती है, तो वो 10वीं हमारे तरफ कहते हैं मेट्रिक पास है, कितना कहते तो वो बहुत हो गया, उसका मेराज हो गया लड़की का, उससे आगे उसके ऊपर। बहरहाल लड़का आया है, अच्छा एकदम शूट में एकदम टाइट कलम लगा के आया है, शानदार नाश्ता उश्ता किया, आप लड़की से वो बात करना चाहता है, ये माहौल है हमारे तरफ का।
कि उससे जो कुछ पूछना चाहता है, उसका नाम पता, उसकी पढ़ाई, तालीम, एजुकेशन पूछना चाहता है, तो पूछने की वो लड़की को बुलाया, वो मुँह में चाय और सुपारी उपारी लेकर के आता है, यह माहौल कितना सही कितना गलत वो बात की बात है। आई लड़की, तो लड़का ने सवाल किया कि एक बुक लेके आओ कापी, उसको कुछ लिखवाना था कि 10वीं पढ़ी है तो कितना टाइटल इसके अंदर। तो उन्होंने अपना पेन निकाला, बोला एक कापी लेके आओ। उसको लड़की को आया गुस्सा, फिर आप मैं कापी क्यों लाऊं, बोले कुछ मैं लिखने बोलूँगा तो तुम लिखना। तो लड़की बोली मैं तो कापी लाऊं भी सही है लेकिन मेरा भी सवाल रहेगा। मगर ठीक है, वो कापी लेकर के आई लेकिन कहने लगा पहले मेरा सवाल यह है कि आज का तुलू फजर कितने बजे है? क्या आज का तुलू फजर कितने बजे है? तुलू फजर समझते हैं, फजर की अजान, तुलू फजर के बाद जो होती है आज सुबह शादी, तुलू शम्स नहीं, तुलू फजर अंदाजा होता है लड़की तहज्जुद गुजार है। क्या अंदाजा हुआ, थोड़ा जवाब देगा इसका? हम में से यहाँ बैठेंगे तो 95% नहीं जवाब दे पाएंगे, हम मरद तो नहीं दे पाएंगे। अंदाजा होता है आजमाइश कैसी रही है। तो कहने का मतलब यह जरूर आज ही से हम मुझे बात मुझे ये कहनी थी, तहज्जुद का एहतमाम करें, एक मरतबा पढ़ के देखिएगा, ये मज़े की चीज़ है। क्या है तहज्जुद? एक मज़े की चीज़ है, एक मरतबा टेस्ट करके देखिएगा, फिर बार बार आप खुद उस दुकान में आएंगे। आप आज के कैलेंडर में देख लीजिए कि तुलू फजर कितने बजे, उससे 20 मिनट पहले आप अलार्म लगा लीजिए। अलार्म के लिए आजकल घड़ी लाने की जरूरत नहीं, किसी के पास कोई उज्र नहीं है, हर के घर एक के घर में मोबाइल है कि नहीं बुजुर्ग मोबाइल, बच्चों है कि नहीं मोबाइल, क्यों नहीं लगाते? आज ही जाकर आप या तो यहाँ की मस्जिद के कैलेंडर में देखिए, या आप अपनी मस्जिद में देखिए, या जिससे आपका ताल्लुक है मौलवी साहब से फोन करके पूछिए आज का तुलू तुलू फजर कितना है, उससे 20 मिनट पहले आप अलार्म लगाइए और 4 रकात 6 रकात 8 रकात 12 रकात तक लाश, या कम से कम 4 रकात पढ़कर अल्लाह से मांगिए। उस वक्त का अंदाज़ा ये है बुजुर्गों कि डायरेक्ट बंदा अल्लाह से बात करता है। और हदीस के अंदर है, मेरे तरफ देखिए गौर से, हदीस के अंदर है अल्लाह तबारक व तआला अर्शे इलाही से पहले आसमान के अंदर है, और आकर अल्लाह पाक कई ऐलान करते हैं, उनमें से एक ऐलान ये है कोई मांगने वाला जिसको मैं दूँ? कायनात का कोई भी बड़ा से बड़ा अमीर तरीन आदमी ये ऐलान नहीं कर सकता भाई है क्या देवीगंज में कोई लेने वाला जो मैं 1 करोड़ रुपये आके आया हूँ, नहीं कर सकता। वो परवरदिगार समय दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है हदीस, सही हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल की बात 100% का सही है, और आकर अल्लाह का ये ऐलान होता है कोई मांगने वाला जिसको मैं दूँ, हम में से कौन शख्स ऐसा है जिसके साथ तकलीफ और परेशानी नहीं, सब मांग लीजिए अल्लाह से। अल्लाह खुद फरमाता मैं आता हूँ और आकर मैं ये ऐलान करता हूँ, अल्लाह आके ऐलान करता है और हम सब सोए रहते हैं। अल्लाह देने के लिए आता है और हम सब सोए रहते हैं। अल्लाह अकबर। बुजुर्गो आप हदीस की किताब में उठा के देख लीजिए, अपने अपने मुतालिमी पीठ से बुजुर्गों से उलमा से पूछ भी लीजिए कि ये बात सही है या गलत है। आज से इस पर अमल शुरू कर दीजिए, अपनी ज़िंदगी में जितनी भी ज़रूरियात हैं सब अल्लाह से मांग लीजिए, अपने बच्चों की रोज़ी मांगिए, अपनी सेहत मांगिए, अपनी तंदुरुस्ती मांगिए, अपने घुटनों की ताकत मांगिए, दीन और शरीयत पर चलने की हिदायत मांगिए, हलाल रोज़ी और हलाल लुक्मा मांगिए, दुनिया में अमन मांगिए, अपने इलाके में अमन मांगिए, चैन मांगिए, सुकून मांगिए, शांति मांगिए। क्या क्या चीज़ें नहीं हैं मांगने के लिए, हम तो फ़कीर हैं, बहुत फ़कीर हैं। मांगेंगे इंशाल्लाह एक बात। एक दूसरी बात यह है, माफ़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक ख़ास बात दूसरी बात मैं आप हजरात को दे रहा हूँ। रात को जब हम सोने के लिए जाएँ, बहुत सारे हजरात आमाल करके सो रहे होंगे, मुझे इस पर कोई शक नहीं, लेकिन आप दो काम करके सोइए। नंबर एक, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह अहद ज़रूर पढ़िए और 1 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ के सो जाइए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कोई 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ लेता है तो उसको पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। ये हदीस में है। अगर 1 मरतबा पढ़ेंगे तो 10 पारे पढ़ने का सवाब, 2 बार पढ़ेंगे तो 20 पारे पढ़ने का सवाब, अगर 3 बार पढ़ लेंगे तो। ये हमारा कैलकुलेशन नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का कैलकुलेशन है, इसलिए इस पर कोई शक नहीं।
तीन मरतबा हम कुलवल्ला पढ़ लिए तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब। और कुलवल्ला अहद में तौहीद है, तौहीद है। और कुलियायुल काफिरून एक बार पढ़ लीजिए, कुलियायुल काफिरून में शिर्क से बरात है, शिर्क से इनकार है। ला आबुदु माता बुदु, ला आबुदु माता बुदु, मैं नहीं करता उसकी इबादत जिसके सामने, मैं नहीं झुकता उसके सामने जिसके तुम सामने झुको, मैं नहीं झुकता उसके सामने हाथ से बना के तुम झुक रहे हो, मैं उसके सामने नहीं झुकता जिसने दुनिया बनाई, मैं उसके सामने झुकता हूँ। तो शिर्क का इनकार करने सो रहा है। और कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए, अल्लाह एक है, अल्लाहुस्समद उसको कायनात की किसी की जरूरत नहीं, लम यलिद वलम युलद उसका ऊपर कोई नहीं उसका नीचे कोई नहीं, वह अकेला पावरफुल है, वह अकेला सुपर पावर है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और कायनात की कोई मखलूक उसका पार्टनर नहीं बन सकती। मैंने तर्जुमा क्या समझे, कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए अल्लाह अकेला है, अकेला वो शहंशाह है, अल्लाहुस्समद वो पूरी कायनात से बेनियाद है, उसको किसी की किसी चीज़ की जरूरत नहीं। लम यलिद वलम युलद ना उसका कोई माँ बाप, ना उसके कोई बच्चे, ना ऊपर कोई, ना नीचे कोई। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कायनात की कोई मखलूक भी अल्लाह के साथ पार्टनर नहीं बन सकती, खुदा की खुदाई में कोई शरीक नहीं। तौहीद का इकरार करके सोया और शिर्क का इनकार करके सोया है, उस रात अगर उसका इंतकाल हो गया तो वो जन्नती है, नहीं है बुजुर्गों? अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। बुजुर्गों ये तैयारी है, कल सुबह किसने देखा है, कल सुबह बेदार कर दे तो उसका करम है, सुला के रख दे तो उसका अदल है, उसका इख्तियार है, बेदार कर दे तो हमारे लिए उस परवरदिगार का फजल है। इसलिए तीन बार कुलवल्ला और एक बार अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बात और दावा ना लें, सुन्नत पढ़ लीजिए, सुन्नत पढ़ लीजिए।